भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के समस्त जनपदों में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद मुरादाबाद में आज दिनांक 18 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के प्रथम दिवस परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रितेश गुप्ता नगर विधायक उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक नगर, आर सोनी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं केपी गुप्ता संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन उपस्थित रहे। इसके साथ जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति के प्रतिनिधि के रूप में अंबुज एआरटीओ प्रवर्तन, लक्ष्मी नारायण अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, माजिद अफसर यातायात, पीके द्विवेदी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संदीप नायक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में छवि एआरटीओ प्रशासन यातायात निरीक्षक श्री पवन त्यागी एवं धर्मेंद्र राठौर तथा जनपद के एनजीओ के प्रतिनिधि के रूप में अभिनव प्रौद्योगिकी से कपिल रस्तोगी, नारी एवं बालुत्थान समिति से मुकुल अग्रवाल सहस्य, लता चंद्र एवं कल्पना के साथ साथ ट्रक बस एवं ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों, स्कूली छात्र छात्राएं, वाहन डीलर्स उपस्थित रहे। नगर विधायक द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक माह के लिए सड़क सुरक्षा अभियान, जागरूक अभियान शुरू होने जा रहा है। अब तक यह अभियान एक हफ्ते का होता था, लेकिन स्पेशली इस बार एक माह का अभियान ये रखा गया है। उससे पूर्व आरटीओ साहब ने और अन्य वक्ताओं ने बहुत डिटेल से सड़क सुरक्षा अभियान और जो भी इनके नियम है उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब हम लोग भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे और इस तरह के अभियान सरकार द्वारा आयोजित किए जाते थे, तो उसमें जो अधिकारी आते थे, जो विषय वो बताते थे, उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, उसको फॉलो भी करते थे। मेरे को ध्यान है जब आप लोगों की एज आप लोगों से भी छोटे थे, तो इस तरह का अभियान जब चल रहे थे तो हमारे विद्यालय में भी पुलिस के अधिकारी आए थे, उन्होंने बताया था बेटा जब भी सड़क पर निकलो तो सबसे पहले अपने दाएँ और बाएँ देखो, उसके बाद रोड क्रॉस करो। उस समय का बताया वो शब्द आज भी हम लोगों के दिमाग में और जहन में है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो अभियान है सरकार के द्वारा, जो भी अभियान चलाया जा रहा है, सब आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए हैं, तो उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अभी एक बिटिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, एस पी सी टी साहब ने यहाँ पे जिस तरह से इंट्रेक्शन किया, क्योंकि अमूमन इस टाइप के प्रोग्राम बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन बच्चों के साथ एस पी सी डी साहब का जो इंट्रक्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए, बच्चों ने भी उसको बहुत इन्जॉय किया। ये अनुभव सब बच्चों के साथ होते हैं, जब एस पी सी डी साहब ने बताया ये सब बच्चों के साथ होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई बार अनुभव ऐसे रहे हैं कि जब मेरे पिताजी दुकान से आते थे दोपहर को लंच करने के लिए और सो जाते थे, तो मेरे को भी लगता था मेरे को भी स्कूटर चलाना चाहिए। तो स्कूटर चलाना नहीं आता था, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मैंने चुपचाप एक दिन स्कूटर निकाला दोपहर को और छोटे भाई बहन थे उनसे धक्का लगा के, क्योंकि किक से स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पाता था, तो बच्चों से धक्का लगा के और गियर में डाल के स्कूटर स्टार्ट करके चलाते थे। इस तरह से स्कूटर चलाना सीखा हमने। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 18 साल की उम्र के बाद ही हम लोगों को वाहन चलाना चाहिए। बच्चों को बुलाया गया, कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं इधर, टेंथ के कौन कौन है और नाइन्थ, एट, नाइन्थ और ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के कितने हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आज बच्चों को बुलाया गया, कोई बताएगा क्यों बच्चों को बुलाया गया? कोई हाथ उठा के, हाँ बताए, बताओ बच्चों को क्यों बुलाया? बहुत बढ़िया, आपने तो मुझसे भी बड़ा अच्छा आंसर बता दिया। मैं पता है क्या बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था, हाँ हाँ बैठ गए, बच्चों को इसलिए बुलाया गया है कि बच्चे अभी बिगड़े नहीं है, ठीक है, अभी आप लोग बिगड़े नहीं है,
तो आपको बताया जा सकता है। जो बिगड़ गए हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपके पापा को, आपके भैया को, आपकी दीदी को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको बुला के समझा रहे हैं, ताकि आप जब बड़े होंगे, अपनी बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और जब आप घर जाएंगे और अपने मम्मी पापा को बोलेंगे या दीदी या भाई को बोलेंगे कि भैया हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, तो आपकी ज़रूर सुनेंगे, डेली डेली बोलेंगे ना। तो मनाए जाने की एक परंपरा रही है, लेकिन आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण हो गया है, कितना गंभीर विषय है। उस सड़क सुरक्षा सप्ताह को सड़क सुरक्षा माह में इस बार भारत सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। आपको अब मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य में विशेष रुचि रखते हैं। भारत सरकार वर्ष में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है, जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर तीसरे महीने यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 14 से 15 लाख लोगों कराया गया सर, और क्या उद्देश्य है? ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की आज शुरुआत की गई है, जो कि 18 जनवरी से लेकर के और 17 फरवरी तक पूरे एक माह तक चलेगा, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ना, कि यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित चलें और दूसरे को सुरक्षित चलने में सहयोग करें। क्या अपील करना चाहेंगे महानगर की जनता? मेरी महानगर की जनता से अपील है कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, और जो लोग इस अभियान को चला रहे हैं, चाहे यातायात पुलिस के कर्मी हों, चाहे वो परिवहन विभाग के कर्मी हों, उनका सहयोग करें और यातायात नियमों के पालन में उनको जो है अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। कार्यक्रम कराया गया और क्या उद्देश्य है इसका? भारत सरकार के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी के मध्य किया जा रहा है। आज हम लोगों ने जनपद मुरादाबाद में पंचायत भवन में इसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे और सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े जो नोडल विभाग हैं उनके अधिकारीगण, शीर्ष अधिकारीगण आए थे। माननीय नगर विधायक श्री तेज गुप्ता जी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एक तरह से ये हमारे सड़क सुरक्षा माह का इनोग्रेशन प्रोग्राम था, जो पंचायत भवन मुरादाबाद से किया गया। क्या अपील करना चाहेंगे सर? मुरादाबाद की जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि यातायात के नियम हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो कितनी भी जल्दी हो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, यही मेरी अपील है मुरादाबाद के। थैंक यू।